देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर के भूपारपुरा थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित एक दुकान से दस्तावेजों से भरा सूटकेस चोरी हो गया। पुलिस ने बताया कि शक्तिनगर निवासी राजकुमार पुत्र नौतन दास राजपाल ने मामला दर्ज कराया है। बताया कि यूनिवर्सिटी रोड पर उनकी कार वर्ल्ड करके एक दुकान है जहां पर कार की सर्विस वगैरह का कार्य किया जाता है। दुकान मालिक ने बताया कि देर रात दुकान को बंद करने के बाद करीब 3 चोर मौकाए वारदात स्थल पर पहुंचे, जहां से उन्होंने दुकान में प्रवेश करके दुकान में कई दस्तावेजों को इधर उधर किया। उसके बाद रुपए की तलाश करते रहे, लेकिन रुपए न मिलने की स्थिति में दुकानों में रखी एक अटैची जिसके अंदर 3 प्रॉपर्टी के दस्तावेज ओरिजिनल के साथ ही घर के सभी सदस्यों के परिचय पत्र, बैंक के लेन देन के ATM कार्ड, 2019 में कपड़ा व्यवसाय करना प्रारंभ किया था जिसके तहत देश विदेश और भारत के अन्य राज्यों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनवाया गया था वह भी चोरी हो गया। चोरी की पूरी वारदात दुकान के आसपास लगे व दुकान परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधित थाना पुलिस चोरों की तलाशी कर रही है।